बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये डेमो है असाइनमेंट नंबर 1 का, जिसमें हमने क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का प्रोग्राम बनाना था जो कि मल्टीपल कनेक्शंस बना सके, और इसके साथ साथ ये कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करें। ये सामने इसका कोड है इस वाले प्रोग्राम का। इसके अंदर शुरू में सबसे पहले कुछ इंपोर्ट्स हैं जो कि आगे जो भी फंक्शंस यूज़ हुए हैं इस पाइथन के उनके हवाले से वो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको लोड कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक मेन फंक्शन है जो कि कनेक्शन के लिए सर्कल बना रहा होता है। इसके लिए मैंने पाइथन की टर्टल लाइब्रेरी यूज़ की है। उसके बाद ये जो एक्सेप्ट रैपर है ये क्या करता है कि ये जब भी ये चूंकि सर्वर साइड का कोड अभी हम देख रहे हैं, तो इस सर्वर साइड के कोड के अंदर ये जो फंक्शन है ये कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसके डिफरेंट तरह के रीड और राइट इवेंट्स जो हैं उनको रजिस्टर करवाता है, और उसके बाद प्रोग्राम अकॉर्डिंगली एक्टिविटी करते हैं। तो हम इस वक्त सबसे शुरू में आ जाते हैं जहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मतलब ये तो फंक्शंस ऊपर डिफाइन हुए थे ना, तो जो एक्चुअली प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो वो जाकर चेक करता है कि जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं। इस प्रोग्राम की जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स हैं वो होस्ट आईडी आईपी के लिए आप है जो कि आपको इस प्रोग्राम को चलाते हुए प्रोवाइड करना है कि आपने इस प्रोग्राम को किस आईपी पे चलाना है और किस पोर्ट पे चलाना है सर्वर के प्रोग्राम को ना। तो ये चेक करता है कि अगर तो रिक्वायर्ड आईपी और वो पोर्ट नंबर प्रोवाइड नहीं किए गए कमांड को चलाते हुए, तो वो यूजेज का तरीका कार बताने के बाद एग्जिट कर जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी कि जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करता है कि ये दो वेरिएबल बनाता है जिनके नाम है होस्ट और पोर्ट, और उनके अंदर जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हैं उसमें से पोर्ट और होस्ट वाला जो हमने आर्गुमेंट प्रोवाइड किया है उनको इन रेलेवेंट वेरिएबल्स के अंदर पहुँचा देते हैं। उसके बाद ये एक सॉकेट बनाता है होस्ट और पोर्ट के ऊपर, वही वाली होस्ट और वही वाले पोर्ट जो हमने इसके शुरू में डिफाइन किए थे, और उसके बाद ये उस वाली सॉकेट के ऊपर लिसन करना शुरू कर देता है सर्वर साइड। और जो ही लिसन करना शुरू करता है तो ये रेड कलर में एक सर्कल बनाता है जो कि ये शो कर रहा होता है कि इस वक्त आपका सर्वर साइड जो है वो इस वक्त एक्टिव हो गई है, या उसका वो सर्वर जो सर्कल है वो नज़र आना शुरू हो जाता है ग्राफिकली। और साथ ही फिर ये मैसेज प्रिंट करता है कि लिसनिंग ऑन, आगे वो होस्ट और पोर्ट बता देता है जिससे ये शो होता है कि जो सर्वर है अभी लिसन कर रहा है। उसके बाद ये रीड इवेंट रजिस्टर करवाता है, वो ऊपर जाके भी हम इसको देखेंगे आगे। और उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये चूंकि थ्रेड बेस्ड प्रोग्राम बना हुआ है, तो उसके बाद ये क्या करता है कि ये रन होता रहता है इनफाइनाइट लूप में, और उसके अंदर जब भी इसको कोई कनेक्शन मिलता है तो उसके अगेंस्ट ये फिर ऊपर डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं एक्सेप्ट रैपर के। और ये तब तक चलता रहता है जब तक इसको कीबोर्ड इंटरप्ट ना मिले। जब इसे कोई कीबोर्ड इंटरप्ट मिलता है तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है सर्वर साइड वाला। तो एक्सेप्ट रैपर जैसा कि हमने देखा था कि जो ही से को कनेक्शन मिलता है तो ये कनेक्शन एक्सेप्ट करने का नोटिस देता है कि एक्सेप्टेड कनेक्शन फ्रॉम एक्स वाई जेड। और उसके बाद ये दो इवेंट रजिस्टर करवाता है, ठीक है, रीड और राइट के। और ये रीड और राइट के इवेंट क्या कर रहे होते हैं, ये देखते हैं कि अगर तो इवेंट रीड का है तो ये रिसीव करते हैं डेटा को, और उसके बाद
अगर वो इवेंट राइट करने का हो तो वो डेटा को वापस उस सर्वर साइड को भिजवा देते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ये रीड कर रहे होते हैं सर्वर साइड के ऊपर जो डेटा क्लाइंट से भिजवाया जा रहा है, और एक ये राइट कर रहे होते हैं डेटा जो कि सर्वर को वापस भिजवाया जा रहा है। इसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है हमारा क्लाइंट का प्रोग्राम। क्लाइंट का प्रोग्राम क्या करता है, इसके अंदर वही उसी तरह से कुछ रिक्वायर्ड इम्पोर्ट्स हैं, और उसके बाद ये भी यही काम करता है कि ये लेंथ ऑफ द आर्गुमेंट चेक करता है। इसकी जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स हैं वो होस्ट है कि किस आईपी पे आपने कनेक्ट होना है सर्वर के साथ, सर्वर की किस पोर्ट पे कनेक्ट होना है, और कितने कनेक्शंस डेटा भिजवाने के लिए बनाने हैं, ठीक है। तो अगर ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट दिए गए हैं तो ये सिस्टम चल पड़ता है, अदरवाइज ये एरर देकर यूजेज का पैटर्न बताकर एग्जिट कर जाता है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये होस्ट पोर्ट और नंबर ऑफ कनेक्शन के अंदर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फिल इन कर देता है, और उसके बाद ये स्टार्ट कनेक्शन का जो ऊपर डिफाइंड फंक्शन है उसको कॉल कर लेता है, और उसके बाद ये इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाता है, और इनफाइनाइट लूप के अंदर ये डेटा को भिजवाता रहता है। अच्छा, जब ये स्टार्ट कनेक्शन कॉल होता है इसको होस्ट पोर्ट और नंबर ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये सर्वर एड्रेस नाम का एक टुपल बनाता है और उसके अंदर होस्ट और पोर्ट की वैल्यूज उसके अंदर स्टोर कर देता है। उसके बाद ये लूप चलाता है, जितने हमने नंबर ऑफ कनेक्शन कहे होते हैं उतने नंबर ऑफ कनेक्शन जो हैं वो सर्वर के साथ क्रिएट करवाता है, ठीक है। और क्रिएट करवाने के बाद ये क्रिएट करवाने के बाद ये अलग अलग जो थ्रेड्स के अंदर उन सारे कनेक्शंस को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने के बाद ये वहाँ से डेटा रिसीव करता है और उसको डेटा भिजवा देता है, ठीक है। और ये करने के साथ साथ ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ही ये कनेक्शन बनाता है तो साथ में यहाँ पर ये मैसेजेस है ना, ये वाले मैसेज वन फ्रॉम क्लाइंट, मैसेज टू डॉट क्लाइंट, ये मैसेजेस ये सर्वर को भिजवाते हैं और सर्वर से जो रिप्लाई रिसीव होता है उसको शो करवा देता है, ठीक है। और क्लाइंट साइड के ऊपर एक्चुअली मैंने पहले ट्राई किया था ये सर्कल बनाने वाला काम, लेकिन इस चीज़ को फिर मैं यहाँ से उठा के सर्वर साइड पे ले गया, क्योंकि जब क्लाइंट कनेक्शन बनाता है तो एक्चुअली जो कनेक्शन का डिस्प्ले होना है वो सर्वर के ऊपर हो रहा होता है, तो यहाँ पे इजाफी है। तो इसमें सर वो ये करता है कि जो दो मैसेजेस हैं, मैसेज वन फ्रॉम क्लाइंट एंड मैसेज टू फ्रॉम क्लाइंट, ये कनेक्ट होने के बाद जितने नंबर ऑफ कनेक्शन आपने कहे होते हैं हर कनेक्शन ये दो मैसेज सर्वर को भिजवाता है और फिर सर्वर से उसका रिप्लाई रिसीव करवाता है, ठीक है। और जब ये काम हो जाते हैं अपने नंबर ऑफ कनेक्शन ये दो दो मैसेज भेज देते हैं और उनको सर्वर की तरफ से रिप्लाई मिल भी जाता है, तो ये प्रोग्राम क्लाइंट साइड का एग्जिट हो जाता है। क्लाइंट साइड का काम ये है कि ये आपका मैसेज ले, जितने नंबर ऑफ कनेक्शन बनाए हैं उतने नंबर ऑफ कनेक्शन बनाए, उन सब कनेक्शन के ऊपर ये मैसेजेस भिजवाएं, और मैसेजेस भिजवाने के बाद ये एग्जिट हो जाए, जबकि सर्वर जो है मुसलसल लिसनिंग मोड में रहता है, ठीक है। तो अब हम इसका जो प्रैक्टिकल डेमो है उसको रिव्यू करते हैं। जी, तो अब हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे अपने इन प्रोग्राम्स को। तो सबसे पहले हम सर्वर रन करने की कोशिश करते हैं। Python 3 server.py
और अभी हम इसको टेस्टिंग के तौर पर कोई भी आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं करते, देखते हैं कि हमें एरर देता है कि नहीं देता। देखिए इसने हमें एरर दे दिया कि यूजर जो है वो एस डॉट पी वाई, उसके बाद अपने होस्ट और पोर्ट बतानी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको कह देते हैं लोकल होस्ट पे चलो, और अभी हम पोर्ट नहीं बताते तो ये हमें फिर दोबारा एरर दे देगा कि आपने होस्ट के साथ साथ पोर्ट भी लाजमी बतानी है। तो अब हम इसको प्रॉपर पोर्ट बता देते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं 1122 नंबर पोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमने 1122 पोर्ट के ऊपर प्रोग्राम चला दिया, तो ये देखें हमें नंबर एक तो ये कि एक रेड कलर का सर्कल बन गया जो कि ये शो कर रहा है कि सर्वर एक्टिव हो गया, और प्लस ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे बता रहा है कि लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 1122 नंबर पोर्ट। ठीक है, और ये हमारे पास उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिक भी आना शुरू हो गया। अब हम जाते हैं क्लाइंट साइड से कनेक्शन बनाते हैं, तो क्लाइंट साइड पे भी इसी तरह से चेक लगे हुए हैं कि आपने सर्वर का आईपी वगैरह और पोर्ट ज़रूर बतानी है और साथ नंबर ऑफ कनेक्शन बताने हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट साइड का प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, उससे कहते हैं लोकल होस्ट के ऊपर ही 1122 नंबर पोर्ट के ऊपर कनेक्ट हो जाओ और 3 कनेक्शंस बनाओ। ठीक है, तो ये देखें ये इसने 3 कनेक्शन बनाए, उसको मैसेज 1 और मैसेज 2 भिजवाया हर कनेक्शन के अगेंस्ट, और सर्वर साइड से इसको वही सेम मैसेज दोबारा रिपीट हुआ और उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया। और साथ साथ आप ये देखिए कि यहाँ पे उसने 3 कनेक्शन बनाए थे तो उसने ये 3 सर्वर्स भी डिस्प्ले करवा दिए यहाँ पे, ये 3 आपके जो है ना कनेक्टिविटीज बनी है इसके साथ। और ये देखें सर्वर ने पूरी उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो की है लिसनिंग के बाद कि एक्सेप्टेड कनेक्शन फ्रॉम 127.0.0.1 और इस पोर्ट पे 34424 के ऊपर, फिर अगला 26 के ऊपर बना और अगला 28 पे बना, यानी कि 3 कनेक्शन हमने वहाँ से भिजवाए थे तो वो 3 कनेक्शन बने अलग अलग थ्रेड पे थे, तो भी कनेक्शन बन रहे थे, तो इसने क्लाइंट साइड से डेटा रिसीव करके उसको वापस रिप्लाई भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये तीनों कनेक्शन अलग अलग थ्रेड्स में बने और उन्होंने पैरेलल में प्रोसेसिंग की और उसके बाद उन्होंने कनेक्शन क्लोज कर दिया और सर्वर हमारा वापस लिसनिंग मोड में जा चुका है, आप ये देख रहे हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं पैरेलल में अगर किसी और क्लाइंट से बैठ कर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 4 कनेक्शन की रिक्वेस्ट भिजवाता हूँ, तो ये देखें ये डाटा आ जा रहा है और साथ ही सर्वर ने वहाँ पे वो जो मज़ीद 4 कनेक्शन आए थे उनको भी वहाँ पे ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया। और इधर अगर आप सर्वर साइड को चेक करें तो सर्वर साइड ने मज़ीद उन कनेक्शंस का लॉग बनाया कि ये 34432 34434 34436 30 पे कनेक्शंस बने हैं, और कनेक्शंस बनने के बाद उसने डाटा को रिसीव किया और उसके बाद वही डाटा वापस उसने इको कर दिया और सर्वर हमारा स्टिल लिसनिंग मोड के अंदर है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 1 का रिव्यू जो कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड एक नेटवर्क की डेमोंस्ट्रेशन थी।